कहता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में महफूज होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। सो आज हम आए थे अपने एक दोस्त के गांव में, दोस्त हमें खैर मिला नहीं, सो हमने यहाँ पे एक वीडियो शूट करनी थी, दोस्त ने शायद हमें धोखा दे दिया। सो अब हम यहाँ पे ऐसे ही जाते हुए अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो सोचा क्यों ना कोई वीडियो शूट कर लें। सो अब हम यहाँ पर एक वीडियो शूट कर रहे हैं, आसपास की जितनी भी आवाम है हमें देख रही है, घूर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। सो आपके साथ हम चंद ग्लिम्स शेयर करते हैं जो हमने रास्ते में कैप्चर किए हैं। अब हम घर को जा रहे हैं, रास्ते में जो भी व्यू मिला, जो भी अच्छी चीज़ मिली, वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमें एक बच्चा मिल गया, हम जैसे ही वीडियो शूट कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इसका भी कोई इंटरव्यू ले लिया जाए। क्या नाम है आपका? फरहान। क्या करते हो, पढ़ते हो? माइक पे बोलो। पढ़ता हूँ। किस क्लास में हो? सिक्स में पढ़ते हो? जी हाँ। तो ये बच्चा हमने देखा है, ये भी स्कूल जाता है, स्कूल पढ़ता है। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे लगा कि शायद यहाँ पे पढ़ाई का इतना रुझान नहीं है पढ़ाई की तरफ बच्चों का, लेकिन ये बच्चा सिक्स क्लास में पढ़ता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में ये पढ़ता है। ये गाँव है बाबा हाजी शेर दीवान, हाजी शेर दरबार के साथ गाँव है, वहाँ पर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हमारी वीडियो में आने के लिए। हेयर यू सीन माई बैकग्राउंड, इसे कहते हैं ईंटों वाला भट्टा। यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं जिसे ईंटें कहते हैं, वो यहाँ पे बनती हैं। ईंटें कैसे बनती हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, वो जो पीछे आपने भट्टा देखा है, इस भट्टे के अंदर ईंटें डाल देते हैं तो वो पक कर इस तरह की लाइक दिस कलरफुल, मतलब पक के बिल्कुल ब्राउनिश होके निकल आती हैं। ईंटें बनती कैसे हैं ना, ईंटें इसी तरह मिट्टी की बनती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वतन की मिट्टी। इसी मिट्टी की ईंटें बनती हैं, ईंटों से घर बनते हैं, इमारतें बनती हैं, बड़े बड़े बंगले बनते हैं, महल बनते हैं, ऐवान जिसमें सरदार सियासी हुकाम बैठते हैं, वो भी इसी ईंटों के बने होते हैं। सो ईंट बड़ी कमाल की चीज़ है, ईंट नहीं तो कुछ भी नहीं, यह ईंटों वाला भट्टा है। सो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। थैंक यू। सो एव यू सीन माई बैकग्राउंड, ये गाँव के बस स्टॉप है। गाँव में जो बस स्टॉप होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, छोटे छोटे, बड़े प्यारे से, बड़े पुरसकून। लोग यहाँ पे आके रुकते हैं अपनी कन्वेंस के लिए, मतलब किसी भी अगली बस का इंतज़ार करने के लिए। इस तरह के बस स्टॉप हैं, यहाँ पे आके रुकते हैं, बस पकड़ते हैं और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाते हैं। क्या मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये वो फसल है जो फसल जब उगाते हैं पहला स्टेप जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। जब फसल उगाने पड़ती है तो पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है, खोद के अंदर बीज या कुछ भी जिसकी भी आप फसल उगाना चाहते हैं वो सबमिट करना पड़ता है। सो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है जो इसकी कन्वर्जन होती है, तीन चार स्टेप्स में होती है। सो अब फाइनली ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपने देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट ग्रो हो चुकी है, ये उगने के बहुत करीब।